सब्सक्राइब कीजिए ओनली एमएस वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्व लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में, ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ हमको ऑप्शन मिलता है शेप्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है सीधी लाइन, ये रही देखिए सीधी लाइन, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये प्लस साइन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखिए हमने वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक, वर्टिकल लाइन को जब हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन का मतलब ये देखिए दो अलग अलग पॉइंट ऊपर नीचे के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दो छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन सेलेक्ट है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें एक नया टैब मिलता है फॉर्मेट। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मेट टैब आपको तभी मिलेगा जब ये लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है, अदरवाइज फॉर्मेट टैब दिखाई नहीं पड़ेगा। फॉर्मेट टैब में हमें जाना है शेप आउटलाइन में, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ानी है। तो शेप आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए विड्थ का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ से हम देखिए अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, तो ये देखिए हमने 3 PT की चौड़ाई यहाँ पे ले ली। ठीक, तो ये थी वर्टिकल लाइन। अब इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा और हमें दोबारा से फॉर्मेट टैब में ही आना है। ठीक है, ये रहा फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको लाइनिंग का, ये देखिए फिर से लाइनिंग का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस साइन बन करके आ गया। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई, फिर से इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे तो फिर से शेप आउटलाइनिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से विड्थ पे जाइए और यहाँ से फिर 3 PT की हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। देखिए इसकी जो चौड़ाई थी वो बढ़ गई। अब देखिएगा कि हम कर्व लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दोबारा से इसी लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें फिर से फॉर्मेट टैब दिखाई पड़ेगा। याद रखिएगा फॉर्मेट टैब तभी आएगा जब आप लाइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट टैब में लेफ्ट हैंड साइड में हमको जाना है यहाँ पर शेप्स वाले कॉलम में। ठीक है, ये देखिए इंसर्ट शेप्स लिख के आ भी रहा है और यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन लेना है, ये देखिए कर्व का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर जब कर्सर ले जा रहे हैं तो नीचे लिख करके भी आ रहा है कर्व, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, क्योंकि ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या, अगर मान लीजिए कि मैं इसको सीधा पकड़ के यहाँ पर स्ट्रेट करूँ और फिर नीचे घुमाऊंगा तो ये नीचे नहीं घूमेगा, तो इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको यहाँ तक किया, अब इसके बाद मुझे इसको कर्व बनाना है तो मुझे एक बार क्लिक करके फिंगर नहीं उठाना है। क्लिक कौन सा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक करके फिंगर नहीं उठाना है। अगर फिंगर उठा देंगे तो फिर यहीं पर रुक जाएगा ये। ठीक है, फिंगर नहीं उठाना है, उसके बाद इसको नीचे घुमा देना है। तो देखिए मैंने यहां तक लाया, अब मैं लेफ्ट क्लिक करके फिंगर अपना रोक रहा हूं, ये देखिए लेफ्ट क्लिक किया, फिंगर मैंने रोक दिया, अब इसके बाद उठा करके इसको देखिए यहाँ पे नीचे ला दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कर्व। अब यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये यहीं पर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी कर्व लाइन। इसकी चौड़ाई बढ़ानी तो फिर से इसको सेलेक्ट करिए, उसी तरीके से फॉर्मेट टैब में जाइए यहाँ पे और यहाँ पे शेप आउटलाइनिंग में, फिर यहाँ पे विड्थ पे, फिर यहाँ से अपनी इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर्व लाइन बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।